हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो ये बयान दिया है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। नेपाल के केपी ओली हमेशा ही कोई बेतुका बयान देते हैं और उसमें भारत को जरूर लाते हैं। अब की बार फिर से उन्होंने ऐसा एक बेतुका बयान दिया जिसमें उन्होंने अयोध्या के राम को अपना नेपाल का बता दिया। अब उसके बाद जो साधु संत हैं अयोध्या के, वो कैसे गुस्से में आ गए हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई माँ सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहाँ पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम माने जाते हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे वार्ता करें कि वो माफी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक रोष है, हिंदू जनमानस में इसका रोष है कि हमारे आराध्य का अपमान, ये अच्छी बात नहीं है। नेपाल वैसे ही गर्त में जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि नेपाल गर्त में जाए। ये मुझको लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ओली ने जो अभी बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और धर्मादेश भी जारी करता हूं कि नेपाल में जो हमारे लाखों भक्त हैं वो कल सड़क पर उतर करके और ओली को कुर्सी से उतारे, क्योंकि जो अयोध्या का वर्णन है कि उत्तर दिशा सरजू पावन, अयोध्या जहां बसी हुई है उसके उत्तर दिशा में सरजू है, नेपाल में सरजू है ही नहीं है। दूसरी बात है जो वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद से लेकर के और जितने भी पुराणों में अयोध्या का वर्णन है, वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या है। और वाल्मीकि रामायण में जिसका वर्णन है, तुलसीकृत रामायण में जिसका वर्णन है, और ओली तो एक माओवादी था और अब आतंकवादी की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। नेपाल और भारत से रोटी बेटी का संबंध था और जब से माओवादी वहां जो है तो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर हावी हुए हैं, तो वहां के जो परम धार्मिक राजा थे पूरे राज परिवार की हत्या करके और जिस तरह से शासन सत्ता को माओवादियों ने वहां अपने हाथ में लिया, और तब से लगातार नेपाल की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और अब आवश्यक हो गया है कि हमारे जो भी नेपाली भक्त हैं, लगभग 1 लाख से ज्यादा नेपाली भक्त हमारे शिष्य हैं नेपाल में, वो कल से रोड पर उतरेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो ये बयान दिया है इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और दावा करता हूं कि 1 महीना के अंदर नेपाल के पीएम ओली कुर्सी से सत्ता से बहिष्कृत हो जाएंगे। और इसके लिए नेपाल में जो हमारे भक्त हैं वो कल से रोड पर उतरेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद नेपाली नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो है। तो जब जो व्यक्ति जिस देश का नागरिक नहीं है और वो चीन की गुलामी कर रहे हैं और अपनी देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, आज चीन ने नेपाल की 2 दर्जन से अधिक गांवों पर कब्जा कर रखा है। अपनी इस कमी को छिपाने के लिए अब वो भगवान राम को बता रहे हैं नेपाली। अरे भगवान राम तो पूरी दुनिया के हैं, लंका में जब चढ़ाई करने गए तो लंकावासी हो गए, तो ये कोई मतलब नहीं है। आप पहले बताइए कि चीन ने आपके देश में कितने गांव पर कब्जा कर रखा है, आप नेपाल को गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब इस प्रकार से कहता है तो बहुत ही कष्ट होता है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है।
जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्रीलोक विरसिता मनुना मानवेन्द्रिया पूरी निर्मिका स्वयं, यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है, यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वह एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री है और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेपाल से और भारत से बहुत ही मधुर संबंध, बहुत प्राचीन से थे। ये विश्व प्रसिद्ध नगरी और सम्मानित नगरी को ये कहना कि वो काल्पनिक है, मैं समझता हूँ कि वो उसको कोई ध्यान नहीं है, केवल प्रधानमंत्री बन गया है। यदि ज्ञान होता उसे कि अयोध्या क्या है, जनकपुर क्या है, दोनों के संबंध क्या है, यह जानते तो कभी भी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते। तो देख लिया आपने, ये अयोध्या के साधु संत हैं जिन्होंने साफ तौर पर नेपाल के केपी ओली को जवाब दे दिया।